अब तक डोगा की आई बेहतरीन कॉमिक्स में से ये मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स है चार मीनार बेहतरीन टेन बाई टेन मार्क्स दूंगा मैं इस कॉमिक्स को तरुण कुमार वाही विवेक मोहन मनुजी मनीष गुप्ता डोगा की जिंदगी की इमारत जिन चार मीनारों पर खड़ी है वो है उसके चारों चाचा अदरक चाचा धनिया चाचा हल्दी चाचा और काली चाचा मगर ये आज चार महीनारे हिल जाने थे और कोई मामूली हवा का झोंका इन्हें नहीं हिला सकता था कोई तूफान ही होना चाहिए था जो आज बढ़ रहा था उन आदमकद प्रतिमाओं की ओर तूफान उस मूर्ति के सामने जाकर ठिठका मैं आ गया हूँ अदरक चाचा अदरक खान के नाम से ना जानते हैं ना तुम्हें एक सौ दस किलोग्राम वजन के बलिष्ठ शरीर के मालिक हो तुम लायन सिम के शेर सन उन्नीस सौ सत्तर के वर्ल्ड चैंपियन जिन्होंने 800 सौ पौंड वजन उठाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था जिससे आज तक तो कोई भी नहीं तोड़ पाया मगर वो अब रिकार्ड टूटेगा हाँ अदरक चाचा अब वो रिकार्ड टूटेगा और उसे खुद तोड़ेगा कीर्तिमान यानी मैं खुद आज के बाद अदरक चाचा नहीं मेरी मिसालें दी जाएंगे जबड़े शक्ति के साथ भीज गए कीर्तिमान अब पहुंचा दूसरी प्रतिमा के सामने और तुम धनिया चाचा और धनिया खान सन उन्नीस सौ पचहत्तर के हैवी वेट चैंपियन जिसने सिर्फ तीस सेकेंड में सांड सी ताकत वाले वर्ल्ड चैम्पियन साइमन को नॉकआउट कर दिया था लैंडेन की इस चट्टान को आज तक तो कोई भी नहीं हरा पाया मगर अब ये ढह जाएगी ये चट्टान मेरी ताकत का फला ढहा देगा इसे सटाक भोंक बेहतरीन कॉमिक्स थी ये आप इसको एंजॉय करते रहिए स्टोरी मोड में क्यों धनिया चाचा इस सांड में से ज्यादा मजबूत नहीं रहा होगा साइमन जो मेरे एक ही पंच से खून उबल बैठा है धार उस वक्त वह धनिया हल्दी चाचा की प्रतिमा के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे हल्दी खान जापान और चीनी मास्टर मार्शल आर्ट का मास्टर लैन और कल्ट का जादूगर जो उछालेगा एक रुपए के सिक्के को भी किक जड़ सकता है गुड इन्होंने एक विश्व स्तरीय मुकाबले में कराटे के एक ही वार में तीन इंच मोटी एक पर रखी छह सिलिया तोड़ दी थी तुमने हाथ से तोड़ी थी हल्दी चाचा मैं सिर से तोड़ूंगा देखो थड़ाक और तुम देखो काली चाचा वो ही थे जिसने सन 1980 में रिवॉल्वर पिस्टल एस एल आर के फोर्टी सेवन टैंक फाइट प्लेन और तारपीडो तक से अचूक निशाने लगाकर तीनों सेनाओं के प्रतियोगियों को हैरत में डाल दिया था एक ही एम पर लगातार छह गोलियां सफलतापूर्वक मारकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था न तुमने काली चाचा लैन एम को जमाज हो न तुम धाधा धाधा धा लो देखो देखो, देखो 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 गिनो एक दो तीन चार एक दो तो, वन टू वन टू वन टू गिनो तीन चार पाँच छः बारह शानदार ग्राफिक्स तो राज कॉमिक्स फाइनली कुछ ऐसी कॉमिक्स बनाने में सफल हो गई जिसकी वजह से हम लोग उसे याद रखेंगे और आप लोग भी जो सीरियस रीडर हैं जो स्टोरी वास्तव में दमदार खोजते हैं वो याद रखेंगे महार कॉमिक्स को इन्हीं राज कॉमिक्स को इन्हीं सब स्टोरीज के बदौलत बाय द वे मनोज कॉमिक्स की स्टोरीज के आगे राज कॉमिक्स कल भी नहीं था आज भी नहीं मैं हमेशा कहता आ रहा कुछ स्टोरीज दी है राज कॉमिक्स ने ठीक ठाक बारह गोलियों में से एक ने भी बलसाई के अलावा दूसरी लाइन को टच नहीं किया अब आप चारों चाचा देखेंगे कि समाज में बने आपके रुतबों और खिताबों की धज्जियों को मैं कैसे उड़ाता हूँ जाने के लिए वापस पलटा ही था वो की धाड़ इससे पहले कि तू इनकी राह में कांटे बिछाए इससे पहले कि तेरे सीने में भड़कती प्रतिशोध की कोई आंच इन्हें झुलसाए मैं तुझे भट्टी के उन कोयलों जैसा कर दूंगा ये चारों जिनकी ये मूर्तियां इनके लिए किसी के भी दिल श्रद्धा प्यार और सुगंध से भरा होगा मगर तेरे मुख से इनके खिलाफ बगावत की आ रही है मुझे तराक जो भड़कते तो ऊपर है मगर राख बनकर नीचे गिरते हैं थंप। ये राख में बदल जाने वाला कोयला नहीं है डोगा ये वो वो कोयला है जिसमें एक चिंगारी हर वक्त सुलगती रहती है और कभी भी भड़क कर हाथ जला सकती है खटाक ओफ मगर तभी अंधेरे कला उठा के भाग गया खटाक डोगा ने चाकू की नोक में अटका कागज निकालकर पढ़ा मुलाकात पहली व आखिरी नहीं थी सूरज सूरज वह नाम पढ़ते वक्त तो बुरी तरीके से लड़खड़ा गई डोगा की जीवल और जिसमें जैसे अत्यधिक उच्च वोल्ट का करंट दौड़ता चला गया आंखें पथरा गई समोसा जिसमें फर्श पर गिरे कांच की तरह झंझना गया दिमाग में चलने लगी आंधिया साए 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 वो ये बात कैसे जानता है कि सूरज ही डोगा है कौन था वो क्या हुआ सूरज बेटे ऐसे क्यों चौंक रहे हो अगले दिन न्यूज़पेपर देखते ही सूरज की निगाहें बुरी तरीके से फैल गई अरे आप पढ़ेंगे तो आप भी चौक जाएंगे अदरक चाचा ये लीजिए किसी सिरफरी ने आपको चैलेंज किया है कहता है ना सिर्फ आपका रिकार्ड तोड़ेगा बल्कि जितना वज़न आप उठाएंगे उससे सौ किलो ज़्यादा वजन उठाएगा मैं तो कहता हूँ कि सौ किलो कम भी उठा ले तो उसकी हड्डियों के लिए गनीमत होगी बेवकूफ़ अगर उसने आपको चैलेंज किया है तो ये मामला सचमुच सीरियस है अदरक चाचा है तुम ठीक कहते हो मोहर सिंह ये मामला वाकई दिलचस्प है लेकिन अध्रक्ष चाचा वो तो शायद मेरी रिकॉर्ड के बराबरी भी ना कर पाए उससे मुकाबला पहले मैं करूंगा यदि वो मुझसे जीत गया तो आप उससे मुकाबले के लिए तैयार हों सूरज तुम्हारे शब्दों में से ईर्षा की गंध आ रही है शायद तुम सोच रहे होगे कि उसने सचमुच ऐसा कर ही दिया तो तुम वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में तीसरे नंबर पर चले जाओगे ईर्षा मुझे क्यों होने लगी मोहर सिंह क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है किसी को भी किसी से हो सकती है सूरज मैं तो कहता हूं अदरक चाचा भाई चैलेंज मिला है तो इसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा मैं तो सोच रहा हूँ कि चैलेंज देने वाला है कौन जबरदस्त क्राउड के बीच में रंग में उतरा अदरक चाचा अदरक चाचा अदरक खान अदरक खान अदरक खान अदरक चाचा की बुढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहे सी ताकत भरी है तब और हलचल मच गई जब वहाँ आगमन हुआ वह कीर्तिमान का कीर्तिमान 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 ये नहीं टिकेगा अदरक चाचा के सामने सूरज की आंखों में उभर आए उस रात के खौफनाक पल ये तो वही है ओह इसी ने दिया है अदरक चाचा को चैलेंज मुझे तो चैलेंज के विषय में पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था क्योंकि उस रात ये ही मेरे चाचाओं का अपमान मेरे शब्द अपमान भरे शब्द कह रहा था हेलो अदरक चाचा तुम्हें अदरक चाचा के पांव छूने चाहिए प्रतिद्वंद्वी के पांव नहीं छूए जाते सूरज उसका जवाब सुनकर सूरज के सिर से पांव तक चिंगारिया सी दौड़ गई हेलो आज पता चल जाएगा अदरक चाचा कि बूढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहा कायम है या नहीं विचित्र ढंग से मुस्कुराकर चाचा अपने पिछले रिकॉर्ड से सौ पाउंड ज्यादा वजन उठाने के लिए अदरक 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 चाचा आदरक चाचा आदरक चाचा बका बका खान बका और इसी के साथ दर्शकों का आसमान गुजार देने वाला शोर गुजा हफ अदरक चाचा ने नौ सौ पाउंड वजन उठाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है मगर सूरज उस अविस्मरणीय दृश्य को देखने के लिए उस वक्त दर्शकों की भीड़ में मौजूद नहीं था अदरक 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 खान अद्रक चाचा अद्रक चाचा लोबर खुरगदार अब हम देखेंगे तुम्हारी युवा हड्डियों में कितना स्टील भरा है अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा अदरक चाचा सौ किलो वजन आपसे ज्यादा उठाऊंगा उस वक्त दर्शक दीर्घा में उतना ही गहरा सन्नाटा छा गया जितना आत्मविश्वास उस वक्त किर्जमान के चेहरे पर छाया था ये नहीं उठा पाएगा उठा लेगा या नहीं हम्फ और बेहद शानदार ग्राफिक्स इसने तो कमाल कर दिया मार्वलस वंडरफुल क्लम्फ वेल्डन बॉय वेल्डन तुमने तो सचमुच में भी हैरान कर दिया और यही वो पल था चिंग क्रैंग बचो कीर्तिमान जबकि अदरक चाचा ने कीर्तिमान को ज़बरदस्त धक्का दिया हफ उस पर ऊपर से गोली चली डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई डोगा ये तो है। डोगा है मगर दूसरे ही पल डोगा वहाँ से हट गया जबकि गोली ही वहाँ बैठे दर्शकों में आतंक मच गया किसी ने कीर्तिमान पर गोली चला दी मैंने उसे देखा था वो डोगा था गोली चल गई है डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई थैंक यू अदरक चाचा अगर आज आप नहीं होते सजग ना होते तो मैं डोगा की गोली का निशाना बन गया होता लेकिन डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई उस वक्त अदरक चाचा का लहू खोल रहा था और तन बदन गुस्से से कांप रहा था अदरक चाचा को वहाँ से जाते देख अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा हुआ मैं जानता हूँ डोगा कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई अपने अदरक चाचा की हार बर्दाश्त नहीं हुई तुम्हें जिम में तड़ाक आज तक मुझे नहीं मालूम था सूरज की डोगा के हाथ इसलिए भी किसी की जान ले सकते हैं कि किसी ने आज उसके अदरक चाचा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया ये है ये झूठ है अदरक चाचा ये झूठ है तो फिर सच क्या है सच क्या है सच क्या है बोल सच क्या है क्यों चलाई डोगा ने कीर्तिमान पर गोली डोगा ने गोली इसलिए चला अदरक चाचा क्योंकि वह शख्स जो भी है वह सच्चाई जानता है कि सूरज ही डोगा है क्या बकता है तू सूरज अदरक चाचा को उस रात की बात बताता चला गया तब और आप जानते हैं कि अदरक चाचा की ऐसा कोई भी शख्स किसी भी समय डोगा की मौत का ऐलान कर सकता है आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ एक डोगा की मौत हज़ारों अपराधियों की ज़िंदगी का ऐलान होगी क्योंकि डोगा का खौफ उनके सिरों पर से हटते ही वो बेलगाम घोड़ों की तरह बेकाबू हो जाएंगे बताइए मैं गोली नहीं चलाता तो क्या करता अधरक चाचा ते गंभीर रूट है कौन हो सकता है वो यही तो पता लगाना है अदरक्ष चाचा अब मुझे ये पता लगाना है कि वो मेरा रहस्य कैसे जानता है और जानता है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है इसका पता मैं जल्दी ही लगा लूँगा क्योंकि आपको शिकस्त देने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेगा और मेरे किसी दूसरे चाचा को चैलेंज देगा इतमान रखो वो जो भी है फ़ौरन ही रहस्य किसी को नहीं बताने वाला वरना डोगा के हाथ उस पर गोली चलने के बाद अब तक पुलिस जिम को घेर चुकी होती अगला चैलेंज धनिया चाचा के लिए था विश्व हैवीवेट चैम्पियन धनिया खान को चैलेंज मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था रिंग में आमने सामने पहुंचे धनिया चाचा और कीर्तिमान धनिया चाचा धनिया चाचा चैलेंज का करारा जवाब दो सूरज की भ्रिकटियों पर उस वक्त तनाव बढ़ गया है ये पत्र मुझे कीर्तिमान ने आपको देने के लिए दिया है सूरज ने पत्र खोला सूरज ही डोगा है अगर ये राज, राज ही रखना चाहते हो तो इस बार डोगा बनकर मुझ पर गोली चलाने के भूल मत करना अगर चार चैलेंजों से पहले मुझे कुछ हो गया तो इसके बाद मैंने जो इंतज़ाम किया है वो सब पर यह राज फाश कर देगा कीर्तिमान सूरज ने व्यवस्था से दांत पीसते हुए उस कागज की छोटी छोटी करतने उस कागज की छोटी छोटी कतरने बनाकर उड़ा दी आज सूरज तुझे रिंग में ही ललकारेगा जबकि इधर चाचा तुमने हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप सिर्फ से तीस सेकेंड में जीत ली थी मगर मुझे इतनी देर नहीं लगी मुझे लगेंगे सिर्फ दस सेकेंड धनिया चाचा उठो धनिया चाचा उठो 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 धनिया चाचा धनिया चाचा उठो एक दो पाँच छः आठ नौ दस विजेता ठहरो किसी खिलाड़ी को तब तक विजेता नहीं घोषित किया जाता है जब तक उसे कोई चैलेंज करने वाला ना हो मैं भी मौजूद हूँ कीर्तिमान को मुझसे मुकाबला करना होगा गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ ही भागता है तूने बिल्कुल ठीक कहा कीर्तिमान था अब देखते हैं कि कौन गीदड़ है और किसकी मौत आई है धड़ाक ऑफ कीर्तिमान के उस शक्तिशाली प्रहार से दिमाग नाच गया सूरज का और जमीन से टकरा कर हाथ चर मरा गया और कीर्तिमान 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 वो सारे पुल वो सारी सीढ़ियां मैं तोड़ डालूंगा सूरज जिन पर से गुजर कर तुम शक्ति और बुलंदी के आकाश तक पहुंचे हो और उसका अगला निशाना था हल्दी चाचा क्रैट अपना रिकॉर्ड तो कोई भी तोड़ सकता है हल्दी चाचा मेरा रिकॉर्ड तोड़ो तो जानू माथा टूट जाएगा पर यह अब रिकॉर्ड नहीं टूटेगा खड़ाक बिगड़े हुए सांड की तरह बिखर गया सूरज क्या क्या कहा आपने अंदर चाचा उस कमीने ने हल्दी चाचा को भी हरा दिया हाँ और आज तुम्हारे काली चाचा को भी उसके चैलेंज का जवाब देना है ओह और इतना सब होने के बाद भी आप ये पट्टी उतार कर फेंकने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं नहीं अदरक चाचा नहीं आओ अब मैं इसे पहने बैठे नहीं रह सकता भड़ाक अगर आज मैंने उसे धर नहीं दबोचा तो हो सकता है कि इन चैलेंजों में जीत के बाद वो फिर कभी मेरे हाथ ना लगे ओह आह, तड़ाक सूरज जाने के लिए पलटा तो धनिया चाचा हल्दी चाचा काली चाचा आप लोग यहाँ हाँ, हाँ सूरज बेटे तुम्हारे हृदय में इस वक्त जो तूफ़ान हिलोले रह रहा है उससे उसमें हम में से कोई भी नगम वाकिफ नहीं है भड़क गया सूरज हाँ धनिया चाचा अब मैं आप में से किसी की भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता मुझे जीवन दिया आपने पाला है मुझे बनाया है किसी भी इमारत को खड़ा करने से पहले सबसे पहले जरूरत होती है नींव की सूरज नाम की जिंदगी की इस इमारत की नींव आपने चारों आप चारों मीनारों ने खड़ी बनकर दी चार मीनारे हैं आप सूरज की जिंदगी की इस इमारत की अगर ये मीनारे ही ढह गई तो सूरज तो धड़ के गिर जाएगा ना लेकिन सूरज वो एक माहिर खिलाड़ी है गजब का शक्तिशाली क्योंकि तुम्हारे तीन तीन चाचाओं को परास्त कर, दे कर देने वाला कोई कर देने वाला वाकई मामूली खिलाड़ी नहीं हो सकता कीर्तिमान हमें चैलेंज देकर कोई जुर्म नहीं कर रहा है इस खेल इसे खेल की भावना व खिलाड़ी को नजर के दस नज़र से देखो सूरज और खेल में तो जीत असली खिलाड़ी की ही होती है सूरज मालूम है कि दरअसल तुम्हें हमारे पराजय पर क्यों गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे हृदय में कहीं न कहीं ईर्षा का वो कांटा चुभ रहा है जिसकी चुभन तुम्हें हमारी पराजय में अपनी पराजय एहसास करा रहा है क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो वो ईर्षा ही है सूरज जो तुम पर गुस्सा बनकर हावी हो रहा है कि कोई तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है तुम आनंद फानंद में ही रिंग में कूद पड़े और इसी ईर्षा और गुस्से की वजह से कीर्तिमान के हाथों पराजित भी हो गए ये सुनते डोगा घुटनों के बल गिर पड़ा अदरक के पाँव पर गिर पड़ा आप ठीक करें दरक्ष चाचा शायद ऐसा ही था मेरे भूल का मुझे एहसास हो रहा है। कीर्तिमान कौन है ये तो हम भी जानना चाहते हैं कल काली से मुकाबला के बाद तुम मुझसे इन बातों का पता लगा लोगे मगर डोगा बनकर और इस बार तुम जीतोगे क्योंकि तुम ईर्ष्या और गुस्से पर विजय पा चुके हो मैं समझ गया दरक्ष चाचा काली मिर्च चाचा से कीर्तिमान का मुकाबला बेहद रोमांचक था उछाले गए एक रुपये के सिक्कों पर काली को गोली चलानी पड़ी निशाना बिल्कुल ठीक लगा बैंग 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 अबारी थी कीर्तिमान की मैं उछाले गए सिक्कों छह सिक्कों पर एक साथ निशाना लगाऊंगा मगर ये सिक्के पच्चीस पैसे वाले होंगे जब जबरदस्त शोर और रोमांच के बीच में चौनी के छह चिक्कों को कीर्तिमान की चलाई गोलियों ने दूर छल फेंका वाह 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 बाकलाल कीर्तिमान तुम हर खेल में कुशल और माहिर खिलाड़ी हो खुदा तुम्हें और तरक्की दे मैं तरक्की को हासिल नहीं छीनना चाहता हूँ काली चाचा ये तरक्की भी मैंने हासिल नहीं की बल्कि छीनी है और तब हाँ देखा आप चारों ने देखा कि कैसे मैंने एक के बाद एक तुम्हारे रुतबों और खिताबों को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया मैं तरक्की को हासिल करना नहीं छीनना चाहता हूँ काले चाचा ये तरक्की भी मैंने हासिल नहीं की बल्कि छीनी है और तब हा, 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 देखा आप चारों ने देखा कि कैसे मैंने एक के बाद एक तुम्हारे रुतबों और किताबों को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया धरा कर दिया मैंने इन चार मीनारों को गलत धाड़ थम्प तूने गलत कहा कीर्तिमान उन चार मीनारों को तूने अभी तक ध्वस्त नहीं किया है क्योंकि डोगा अभी भी तेरे सामने खड़ा है थम्प जिस तरह तुझे अपने गुरुओं और उनकी सिखाई गई शक्ति पर नाच है उसी तरह मुझे भी नाच है अगर टू डोगा को ध्वस्त कर देगा तो मैं समझ लूँगा कि चार मीनारे वाकई ध्वस्त हो गई हैं दिखा कीर्तिमान दिखा अपने जौहर कीर्तिमान दिखा 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 अपना जौहर दिखा सूश दिखाता क्यों नहीं बेहतरीन सीन्स कीर्तिमान हथियारों पर झपटा डोगा मुझसे भूल हो गई चारों चचाओं के बाद मुझे तुझे भी चैलेंज करना चाहिए था मगर कोई बात नहीं है हमारी इस लड़ाई को ही चैलेंज समझ धा 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 ना चुम 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 बुंग बुंग बैंग 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 धा 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 झिंग झिम बहुत नाच था तुझे अपनी निशानेबाजी पर पारा गोलियां शिकार पर बर्बाद कर वाला कोई धुरंधर खिलाड़ी नहीं होता है धुरंधर वो होता है जो अपने शिकार पर गोली बर्बाद न करे बल्कि उसे खर्च करे जिससे उसे कुछ हासिल हो ऐसे ढिची हूँ और ये क्या ये तो वही सिल्लियाँ हैं जिसने जिससे जिन्हें तूने अपने माथे से फोड़ डाला था तूने एक बार फोड़ा था कीर्तिमान अब देख मैं मैं भी माथे से ही फोड़ूंगा कर और बार बार फोड़ूंगा फड़ा फड़ा देख कीर्तिमान देख मेरा माथा नहीं टूटा इस पर खरोच तक नहीं आई अपने एक ही पंच में तूने मेरे धनिया चाचा को धराशाई कर दिया था ना तो जरा इस पंच की शक्ति को महसूस कर तड़ाक अदरक चाचा के रिकॉर्ड से सौ किलो वजन ज्यादा उठाया था तूने जानता है आज तक भी इस रिकॉर्ड को मैंने क्यों नहीं तोड़ा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अरे आज तक मेरे ही रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया पर मैं अब तुझे दिखाऊंगा कि डोगा क्या चीज़ है आंखें खोल कर देख देख ले कीर्तिमान जो वजन मैंने उठा रखा है वो दो हजार पाउंड तब डोगा एक तरफ वजन फेंककर उसके निकट पहुंचा और अब मैं देखूंगा कि तू कौन है मुझे कैसे जानता है और मेरे चाचाओं से तेरी क्या दुश्मनी है डोगन एक झटके से उस खींच ली उसकी ने अरे अरे और मोहर सिंह तुम मोहर सिंह हमारा रसोईया हाँ डोगा मगर तुम तुम भी तो उन चारों मीनारों के उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं चाचा उतना ही प्यार जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही तुमसे भी करते हैं फिर तुमने ये सब क्यों किया इसलिए क्योंकि उन्होंने हम हमेशा तुम में और में एक भेद हमेशा से रखा और ये शास्त्र भेद था गुरु और शिष्य की परंपरा का मैं भी तुम्हारी तरह सभी कलाएँ सीखना चाहता था मगर मैंने जब भी अपनी ऐसी इच्छा जाहिर की तो अदरक चाचा ने हमेशा यूँ ही कहा कि तू तो रसोई में ही ठीक है तू लड़ाई झगड़ा सीख करके सीख गया तो हमें खाना बना कर कौन करेगा जिम की सफाई कौन करेगा चला जाए यहाँ से <laughs> तब मैंने भी प्रण किया मत सिखाओ मुझे मत बना मुझे अपना शिष्य मगर मैं भी एकलव्य की एक तरह छिप कर ये सारा आर्ट सीखूंगा मैं छिप छिप कर चाचाओं द्वारा दी गई तुम्हें सिखाई जा रही सभी विद्याएं ग्रहण करता रहा और फिर यहाँ चारा चाचाओं की मूर्तियों के आगे उन विद्याओं का अभ्यास करता था कई बार मैंने तुम्हें सूरज से डोगा बनते देखा पर चुप रहा क्योंकि तुम्हारा भेद जाहिर करके मैं डोगा ख़त्म नहीं करना चाहता था कभी भी नहीं मुझे मार डालो डोगा मुझे मार डालो अरे मोहर तू मर गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा भाई चाचा आप अभी तक हम यही सोच रहे थे कि आखिर इतने सदे हुए वार करने वाला पैदा कहाँ से हो गया ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई कि छोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में चल हमने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया ढोका <laughs> भी वापस लौट पड़ा ईर्ष्या दो तरह की होती है एक वो जिससे ग्रसित इंसान सब कुछ तबाह बर्बाद कर डालता है एक वो जिससे ग्रसित इंसान अपनी लगन और मेहनत से दूसरे से ऊंचा उड़ जाता है जैसा कि मोहर ने किया समाप्त तो गाइज़ एक बेहतरीन स्टोरी आपको मैंने ला कर के दिया बहुत दिन से सो सोच रहा था इसको डालने के लिए चार मीनार जबरदस्त कॉमिक्स रही है और ये भेड़िया की कॉमिक्स की एक प्रोमो बहरहाल दोस्तों ये आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी इसकी स्टोरी के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा बड़ी बेहतरीन ये स्टोरी मुझे लगती है आज भी चार मीनार डायलॉग्स फाइटिंग सीक्वेंस, जबरदस्त और शायद 2000 के आसपास आई थी सन 2000 के आसपास ये सब वो कॉमिक्स है जिसने राज कॉमिक्स को राज कॉमिक्स बनाया और माइलस्टोन दिया राज कॉमिक्स को कुछ कुछ ये हॉलीवुड के कुछ कैरेक्टर्स जो मार्वल डीसी के हैं उनकी तरह लगता हुआ ये हीरो